सबसाहूणम् ऐसो पंचण मुक्कारो सब पाव पणासनो मंगलाणम् च सव्वे सिंह परमं भवै मंगलम्। एक ऐसा व्यक्ति जो 20,000 किलोमीटर से ज्यादा चलने के बाद भी पथरीले पथ की परवाह किए बिना उत्साह के साथ मानवता का शंखनाद करता हुआ गतिमान है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे सुनने के लिए हर जाति, वर्ग, क्षेत्र और संप्रदाय की जनता लालायित रहती है। एक ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों और रूढ़ धार्मिक कर्मकांडों पर तीखे प्रहार करता है। मानवता को समर्पित इस व्यक्ति का नाम है आचार्य महाश्रमण। जय महाश्रमण गुरुवर, जन जन के प्राण हो, भक्तों के मन मंदिर, गण के भगवान हो। सुगुणधारी 36 कौम तारी, जय महाश्रमण, जय महाश्रमण, जय महाश्रमण, जय महाश्रमण। आदमी सुखी बनना चाहता है और वह दुख से डरता भी है। जैन वाङ्मय में बताया गया है, भगवान महावीर ने एक बार साधुओं से पूछा कि बताओ साधुओं, किं भया पाना, प्राणियों को भय किस चीज का लगता है। संत उत्तर नहीं दे सके, संभवतः भगवान महावीर ने उत्तर दिया, दुख भया पाना, प्राणियों को भय दुख का लगता है। बीमारी से आदमी डरता है क्योंकि बीमारी दुख है। मृत्यु से आदमी डरता है, मृत्यु भी दुख होता है। अपमान से भी डरता है, कोई मेरी वस्तुओं की चोरी न कर ले, इसका भी भय हो जाता है। परिग्रह है वहां भी भय हो जाता है, और परिग्रह की सुरक्षा के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है। यात्री बाई ट्रेन जा रहा था, टिकट चेकिंग करने वाला आया तो एक सेठ भी ट्रेन में जो था यात्री, उसने कहा कि टिकट तो मेरे पास नहीं है। तो बिना टिकट की यात्रा के अपराध के संदर्भ में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पास में जो स्टेशन आया आगे, जहां गाड़ी को रुकना था, वहां उस नगर में जो कारागृह था वहां उसको रख दिया गया। ट्रेन भी रात भर वहां रुकी और वह यात्री भी कारागृह में रुक गया।
सवेरे जांच के लिए पूछताछ की गई कि तुम्हारे पर आरोप यह है कि तुमने बिना टिकट के यात्रा की है, यह अपराध किया है, ऐसा तुमने क्यों किया। उसने कहा, गलत बात है, मेरे पास तो टिकट है, किसने कहा टिकट नहीं है मेरे पास। जेब में से टिकट निकाला, उसने दिखा दिया, यह रहा मेरे पास टिकट, मैंने तो टिकट से यात्रा की, बिना टिकट यात्रा किसने की है। कभी हमारे पास तो यही बात आई है। तो कहा, कल तुमने क्या कहा था कि कल तो मैंने यही कहा था कि टिकट नहीं है, तो कल ऐसा क्यों कहा। तब उसने कहा कि बात यह थी, मेरे पास धन संपत्ति काफ़ी थी, रात्रि में मुझे रुकना था, ट्रेन यहाँ रुकने वाली थी, मैंने सोचा इतने परिग्रह की सुरक्षा कैसे करूँ, कोई ले न जाए इतना सामान। तब मैंने सोचा सबसे ज़्यादा सेफ स्थान तो जेल होती है, तो रात को जेल में रहना चाहिए, वहाँ सामान की सुरक्षा रहेगी, इसलिए मैंने टिकट नहीं दिखाई, मुझे जेल में डाल दिया गया, रात को मैं आराम से सो गया, सामान भी सुरक्षित रह गया, अब मुझे यहाँ से आप विदा कर दो आगे जाने के लिए। आदमी को कितने प्रकार का भय होता है। सुखी बनने की कामना आदमी में होती है, तो सुखी कैसे बने। आर्षवाणी में बताया गया कि सुखी बनने के लिए स्वयं को तपाओ, तपाओ, तप्त करो, आराम तलब मत बनो। आराम भी आदमी को चाहिए, परंतु रुझान आराम का न हो, रुझान तो कार्य करने का हो, आराम तो करना पड़ता है। हर चीज में ऐसो आराम को मत खोजो। सुकुमारता को त्यागो। जो आदमी कठोर जीवन जीने का अभ्यासी होता है वह सुखी बन सकता है, और जिसमें कठोरता का जीवन जीने का अभ्यास नहीं है, सुख से लिया होता है, वह आदमी पग पग पर विषाद ग्रस्त हो जाता है, हो सकता है। पय पय विषी अंतो संकप्पस्य वसंगौ, पग पग पर विषाद, सब जगह अनुकूलता मिलती नहीं तो वह डिप्रेशन में जा सकता है, विषादग्रस्त हो सकता है। मनुष्य को कुछ कठोर जीवन जीने का अभ्यास रखना चाहिए। तो शास्त्रकार ने बताया है कि आया वया ही अपने आप को तपाओ, कठोरता का जीवन जियो, सुकुमारता को छोड़ो, और कामना को अतिक्रांत करो। कामना ज्यादा है तो दुख हो सकेगा, कामना पर कंट्रोल है तो तुम सुखी जीवन जी सकोगे। द्वेष भाव को छोड़ो, किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष मत रखो, और अप्रशस्त राग भी किसी पदार्थ के प्रति, व्यक्ति के प्रति मत रखो। मैत्री भाव हो सकता है, परंतु राग भाव, अप्रशस्त कोटि का राग भाव तो होना ही नहीं चाहिए साधु के जीवन में। तो जो व्यक्ति अपने आप को तपाने वाला होता है, कामना पर कंट्रोल करने वाला होता है, द्वेष का परित्याग करने वाला होता है, वह व्यक्ति सुखी जीवन जी सकता है। परम पूज्य कालूगणी जैसे संत पुरुष, छापर का बड़ा अवदान है, जो क्षेत्र संघ को आचार्य सौंपता है उस क्षेत्र का तो स्थूल भाषा में कहें तो बड़ा उपकार होता है शासन पर, जो क्षेत्र एक आचार्य सौंपता है संघ को। छापर ने भी एक ऐसा शिशु बालक धर्म संघ को दिया जो आगे जाकर तेरा पंथ का नाथ बन गया, सरताज बन गया था। मुझे स्मरण हो रहा है कालू जन्म शताब्दी समारोह छापर में गुरुदेव तुलसी के सान्निध्य में मनाया गया था। उन दिनों में इसी कालू कल्याण केंद्र में गुरुदेव तुलसी का प्रवास हुआ था, और कालू जन्म शताब्दी समारोह छापर में आयोजित हुआ था। कितने साधु साधियां उस समय छापर में थे। मर्यादा महोत्सव तो परिहारा में हुआ था,
मर्यादा महोत्सव में इतने साधु साधियाँ थे तो कालू शताब्दी समारोह में भी काफ़ी संख्या में साधु साधियाँ उपस्थित थे। और फाल्गुन महीने में वह, क्योंकि फाल्गुन शुक्ला द्वितीया परम पूज्य कालूगणी का जन्म दिवस है, गुरु और सुशिष्य कालूगणी को भी शुक्ला द्वितीया मिली और गुरुदेव तुलसी को भी शुक्ला द्वितीया मिली, दोनों को शुक्ला द्वितीया मिली थी। तो परम पूज्य कालूगणी की जन्मभूमि में हमारा आना हुआ है और कालूगणी की अपनी साधना थी, कालूगणी की अपनी पुण्यवत्ता थी, कालूगणी का अपना शैक्षिक विकास था, विद्या का विकास था। उन्होंने स्वयं ने ही विकास नहीं किया, धर्म संघ में भी संस्कृत भाषा का उन्होंने विकास करवाया था और उनके द्वारा दीक्षित कितने संत संस्कृत भाषा के अच्छे विद्वान बन गए थे। गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी तो कालूगणी के अनंतर और परम्पर उत्तराधिकारी थे ही, कालूगणी ने भी दो अवदान दिए हमारे धर्म संघ को, दो दो आचार्य संघ को कालूगणी के द्वारा मिले या कालूगणी के शिष्य सुशिष्य आचार्य के रूप में धर्म संघ को प्राप्त हुए। गुरुदेव तुलसी भी कालूगणी के द्वारा दीक्षित थे और आचार्य महाप्रज्ञ जी भी कालूगणी के द्वारा ही दीक्षित थे। और मैं भूल न करूं तो कालूगणी ही एकमात्र ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने अपने हाथ से दीक्षित शिष्य को उत्तराधिकार सौंपा है, यानी अपने हाथ से दीक्षित, यानी स्वयं गुरु थे वे शिष्य थे और उस रूप में दीक्षित करके तेरा पंथ को उत्तराधिकारी के रूप में उनको उत्तराधिकार सौंपने वाले कालूगणी थे। आचार्य भिक्षु और भारमृज वो तो साथ साथ दीक्षित हो गए थे, नई दीक्षा जब स्वीकार की दोनों साथ साथ दीक्षित हुए थे, तो कालूगणी ने अपने शिष्य के रूप में मुनि तुलसी को दीक्षित किया था और उनको अपना उत्तराधिकार भी सौंपा था। और फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी भी कालूगणी के द्वारा दीक्षित, गुरुदेव तुलसी ने फिर उनको उत्तराधिकार सौंपा।